और मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस के जवाबी फायरिंग से नक्सली भाग खड़े हुए हैं, जिसके बाद हॉक हॉर्स और सीआरपीएफ के जवानों ने लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम बोदाल झूला में सघन सर्चिंग अभियान चलाया, जिसमें जवानों ने नक्सलियों के डंप को बरामद किया है। एसपी सबीर सौरभ ने बताया कि बरामद डंप में बारूद, वायर, नक्सली साहित्य, प्लास्टिक के कंटेनर रखकर जमीन में दबा दी गई थी। बताया जा रहा है कि नक्सली कुकर बम बनाने की तैयारियों में थे। अभी लगभग पिछले 4 दिनों से हम लोग लांजी क्षेत्र के लांजी थाने के उत्तर वाले जंगलों में हमारी सर्चिंग लगातार चल रही थी हॉक फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा, जिसमें एक तो एक्सचेंज ऑफ फायर की घटना हुई और 8-10 राउंड फायर हुए। हमारी फायरिंग को देख के नक्सली वहां से भाग गए थे और उसके बाद उसके फॉलोअप में हमने लगभग 200 से 250 लोगों की पार्टी उस एरिया में सर्चिंग के लिए डाली थी, जिसमें हमारे जवानों को एक सफलता मिली है।